तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये नहीं सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है, राज्य सरकारें संजय हैं, सरकारों को नहीं दिखता, केंद्र सरकार को नहीं दिखता कि देश में मौतें हुई हैं। मवाली है ये किसान, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए सरकार को ये अंदाजा नहीं, कानून व्यवस्था कहीं पर बिगड़ती है, कहीं पर कुछ दंगा हो जाता है, सरकार सख्ती करती है ना, तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? तो ऐसे में सरकार तो इंसानी जान पर श्रद्धा और आस्था भारी है, या चुनावी फसल काटनी है कि देखिए हम तो कावड़ के लिए तैयार थे। आज इस वीडियो में बात न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी की करेंगे। संदीप चौधरी लगातार अपने डिबेट्स के जरिए भाजपा नेताओं से सवाल कर रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं। आज हम उनकी कुछ डिबेट्स देखेंगे जिनमें जरूरी मुद्दों पर उन्होंने भाजपा नेताओं को अपने तीखे सवालों में घेरा। न्यूज 24 पर ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर सरकार द्वारा संसद में दिए गए बयान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल भाजपा नेता से किया, जिस पर नेता राज्यों की गलती निकालने लगे। तभी एंकर ने बीच में टोका और केंद्र सरकार के बयान पर जवाब देने को कहा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपके गले उतर रही है ये बात, ये जवाब गले उतर रहा है। नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन स्पेसिफिकली रिपोर्टेड। संदीप जी देखिए, विषय को समझना चाहिए, कितने चालाकी से आपने प्रदेश सरकारों को बीच में से पूरी व्यवस्था से। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, कोई चालाकी नहीं की है, नहीं अभी मैं चालाकी नहीं करता, चालाकी कौन कर रहा है देश जानता है। उसने क्या कहा है पार्लियामेंट में कि किसी स्टेट में यह रिपोर्ट नहीं किया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से यहाँ हमारे यहाँ पे। मैंने एग्जैक्टली यही पढ़ा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये नहीं है सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है, राज्य सरकारें संजय हैं, नहीं सरकारों को नहीं दिखता, केंद्र सरकार को नहीं दिखता कि देश में मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते। संजय ने जो बता दिया वही वर्णन मान लिया। देखिए आपको देश में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार को नहीं मालूम कि देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई हैं। मनसुख मांडविया जी का पूरा बयान आप राज्यसभा में सुनिए ना। किसान आंदोलन को लेकर डिबेट न्यूज 24 चैनल पर हुई। इस डिबेट में एंकर ने कुछ सवाल किए जिस पर नेता बात को गोल गोल घुमाते नजर आए, लेकिन एंकर संदीप चौधरी ने नेता को टोका और सही से जवाब देने को कहा। मवाली है ये किसान, अरे सुनिए मुझे किसानों के बारे में पता है, किसानों का दर्द भी मुझे को आएगा। आपकी मंत्री को पता है, मवाली है ये किसान। बात पे आइए, मैं बताता हूँ ना कौन है मवाली। मवाली तो आप ही हैं जो मुझे बात नहीं करने दे रहे, मुझे बात करने दे रहे। अच्छा, मैं भी मवाली हूँ, बहुत 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 शुक्रिया। आरपी सिंह मुझे भी मवाली कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे ना? अरे सर, आप मुझे बात करने का मौका नहीं तो क्या कहूंगा, आप मेरा गला घोटेंगे तो क्या कहूंगा मैं आपको? मुझे एक बार एक अक्षर नहीं करने दे रहे आप तो। उन्होंने क्या कहा, 26 जनवरी को जो घटना घटी ये अपना पल्ला झाड़ रहे पर, और मवाली हैं ये किसान। अगर ये किसान मवाली हैं तो कृषि मंत्री ने बातचीत का न्योता क्यों दे रहे हैं? मवालियों से बात करती है सरकार? मैंने कब कर, मैंने आप जानकर शरारत कर रहे हैं। अच्छा, मैं शरारत कर रहा हूँ? आप शरारत कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल मुंह पे कह रहा हूँ, आप शरारत कर रहे हैं और डर कर शरारत कर रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता, घबरा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं है। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर चिंता को लेकर डिबेट न्यूज 24 पर हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल भाजपा नेता से किया, जिस पर वे सरकार की तैयारी को लेकर बात करने लगे। तभी एंकर ने कुछ स्थलों पर उमड़ती भीड़ को लेकर चिंता जताई और सख्ती ना करने को लेकर कुछ सवाल उठाए। तो ये आम जनता को खुद को निर्धारित करना है, खुद को सोचना है, क्या वो उसी दौर में वापिस जाना चाहते हैं जिस दौर के अंदर इतनी चुनौतियों से देश निकला है, पूरी दुनिया निकली है? और ये बात मुझे लगता नहीं, नहीं है नहीं, यहाँ पर डॉक्टर ने एक बात राजीव जेटली बिल्कुल साफ तरीके से कही, आप लिमिटेड एक्सेस क्यों नहीं देते हैं कि जी आपको मसूरी में घुसना है, इतने सैलानी ही जा पाएंगे, उनके पास आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, उन्होंने डोज लगाई हैं नहीं लगाई हैं ये जानकारी होनी चाहिए। ये जो सख्ती की बात है, ये जो एहतियात की बात है, ये तो सरकार को लागू करना है ना। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बड़ा खतरनाक सीन था जो आपने कैंपटी फॉल का जिक्र किया, जो आपने माल रोड का जिक्र किया, मनाली में जिस तरीके के हालात देखे गए कि ट्रैफिक जैम हो गया। सरकार को ये अंदाजा नहीं, कानून व्यवस्था कहीं पर बिगड़ती है, कहीं पर कुछ दंगा हो जाता है तो सरकार दबिश देती है ना, सरकार सख्ती करती है ना, तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून लाने के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कानून के बीच कुछ बिंदुओं पर भाजपा नेता से सवाल किया, जिस पर वे एंकर पर ही सवाल खड़े करने लगे, पर एंकर ने उन्हें अपने तीखे सवालों में घेर लिया।
इंसेंटिवाइज किया ना, आप ये करेंगे तो ये आपको लाभ मिलेगा, ये करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, आपको ये एडवांटेज होगा, ये डिसएडवांटेज। हाँ, जैसे अभी पूरे लाभ मिल रहे हैं ना, लोगों की नौकरियां लग रही हैं कि नौकरियों में जी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट। कितनी सरकारी नौकरियां लगी हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में? जी धन्यवाद। मैं बात इस बात का नहीं कि सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी मिलने, बात इस बात का कि सरकारी नौकरी मिलने पर आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ नहीं मिलेगा। हाँ। आपको अगर अच्छा, सरकारी नौकरी मिले ना मिले वो अलहदा है, पर सरकारी नौकरी होगी, दो बच्चे से ज्यादा है तब लाभ नहीं मिलेगा, ये कर दिया। सरकारी नौकरी सुनिश्चित नहीं हो रही है। चर्चा करने में क्या नुकसान है? चर्चा करने में कोई नुकसान नहीं, और मैं तो आप आए हैं और हम चर्चा ही कर रहे हैं। ये जनसंख्या का जो बिगुल बजाया जा रहा है, ये तो हमारी ताकत थी कुछ दिनों पहले तक, आज ये समस्या हो गई, तो आर्थिक मोर्चे पर जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं उनका हल नहीं निकल रहा, तो जी जनसंख्या को ब्लेम कर दो, जनसंख्या है बड़ी समस्या, पहले इससे निपटे तभी तो देश विकास करेगा। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने तीसरी लहर के लिए चिंता जताई और कम वैक्सीनेशन को लेकर सवाल भाजपा नेता से किया, जिस पर भाजपा नेता सरकार का बचाव करते नजर आए, पर एंकर ने भी उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। ओ जफर इस्लाम, कोरोना से जुबानी जंग लड़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन बिल्कुल करना चाहिए, और सरकारों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कांग्रेगेशन जो है, हालांकि बहुत दबाव होता है आम नागरिक का, देखिए आप जिस तरह से वो घूमने गए हैं, घूमने से ज़्यादा लोग जो है धार्मिक होते हैं, जो धर्म के जो आस्था के लिए ज़्यादा लोग विचलित होते हैं, तो ऐसे में सरकार तो इंसानी जान पर श्रद्धा और आस्था भारी है, या चुनावी फसल काटनी है कि देखिए हम तो कावड़ के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, उत्तराखंड कहता है नहीं, हरियाणा कहता है नहीं, ये बात थोड़ी मुझे समझाइए, तीनों जगह है आपकी सरकारें। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है, तो अगर ये सरकार जो आपने बोला कि पॉलिटिकल फसल या इलेक्शन की फसल काटनी हो तो हम वहां पर नहीं करा, वहां पर भी नहीं कराते, ये गलत बात है। देखिए लोगों को 20 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, जाहिर है उनकी आस्था है, आस्था है, एनुअल फीचर्स है। हम उम्मीद करते हैं कि संदीप आगे भी इसी तरह जनता के मुद्दे उठाते रहें और जरूरी मुद्दों पर सरकार के नेताओं से सवाल भी करते रहें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।